सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए हैं। 23 जून को कपल ने ना तो साथ फेरे लिए और ना ही निकाह किया, बल्कि कपल ने सिविल मैरिज करके एक दूसरे का हाथ थामा। वहीं शादी के बाद शाम में कपल ने एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी होस्ट की, जहां फैमिली, फ्रेंड्स और बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की। इसी बीच सोनाक्षी की शादी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो खूब चर्चा में बनी हुई है। दरअसल बॉलीवुड के बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी की शादी को लेकर पटना में जमकर बवाल मचा हुआ है। हिंदू शिव भवानी इस शादी का जमकर विरोध कर रही हैं। उन्होंने कुछ पोस्टर्स लगाए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में घुसने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, हिंदू शिव भवानी सेना ने पोस्टर पर यह भी लिखवाया है कि सोनाक्षी और जहीर की शादी लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली है, पूरे देश को इस्लामीकरण करने की कोशिश। शत्रुघ्न सिन्हा जी शादी के फैसले पर करें पूर्ण विचार, नहीं तो अपने बेटे लव और कुश और अपने घर रामायण का नाम तुरंत बदल दे, इससे हो रहा है हिंदू धर्म का अपमान। वहीं पोस्टर पर यह भी लिखवाया गया है कि हिंदू धर्म को कमजोर और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सोनाक्षी की शादी मोहब्बत के नाम पर मजहबी साजिश और अवैध धर्मतरण है, इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं पूरे देश को इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सोनाक्षी की शादी के किसी भी फंक्शन में सोनाक्षी के दोनों भाई लव और कुश नहीं दिखे। ऐसे में अब दोनों भाइयों की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि शायद जहीर संग अपनी बहन की शादी से लव और कुश बिल्कुल भी खुश नहीं थे और यही वजह है कि वो उनकी शादी में शरीक नहीं हुए। इसी बीच शादी का एक वीडियो भी सामने आया है जहाँ सोनाक्षी सिन्हा के करीबी दोस्त और एक्टर साकिब सलीम भाई का फर्ज निभाते हुए नजर आए। दरअसल जब सोनाक्षी ने अपनी शादी में एंट्री की तो तब व्हाइट फूलों से सजी चादर को साकिब सलीम ने पकड़ा हुआ था। मालूम हो कि इस रस्म में बहन के भाई फूलों की चादर को पकड़ते हैं, लेकिन अफसोस सोनाक्षी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि 23 जून को कपल ने सिविल मैरिज की, जिसकी कई सारी तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। शादी के बाद कपल ने मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन भी किया, जहां फिल्मी सितारों का मेला देखने को मिला। वहीं रजिस्टर मैरिज में सोनाक्षी ने अपनी माँ की 44 साल पुरानी साड़ी पहनी थी, जो उन्होंने अपनी शादी पर पहनी थी। एक्ट्रेस ने माँ की ज्वेलरी भी कैरी की। वहीं सोनाक्षी की शादी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइंट बटन दिख रहा होगा, इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन।